अघोरी एक ऐसा हिंदू संप्रदाय है जो अपने अनोखे और विचित्र रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। अघोरी शिव के सबसे कट्टर भक्त माने जाते हैं, जो उनकी अघोर व मंगलमयी शक्ति का प्रतिपादन करते हैं। अघोरी का मतलब है जो घोर नहीं है, जो सहज है, समान है, सरल है और किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। अघोर पंथ यानी एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया। अघोरियों के जीवन में सबसे अधिक अहमियत होती है गुरु की। अघोरी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिलती। उनकी गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफी अलग होती है। अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। अघोर पंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहां चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। वे मानते हैं कि श्मशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वहां किसी के आवागमन न होने से साधना में विघ्न भी नहीं पड़ता। श्मशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना से मोक्ष मिलता है। अघोरी श्मशान में तीन तरह की साधना करते हैं, श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शव साधना में शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना में शव पर एक पैर के सहारे खड़े होकर शिव की साधना की जाती है और श्मशान साधना में हवन किया जाता है। अघोर पंथ में दीक्षा तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हृत दीक्षा। इसमें गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र फुकन भी कहते हैं। ये एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। दूसरी होती है श्रित दीक्षा। इसमें शिष्य से गुरु नियमानुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या भुजा में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाई और स्त्री की बाई भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। ये नियम बहुत जटिल भी हो सकते हैं। तीसरी होती है रंभत दीक्षा, अघोर पंथ में सबसे मुश्किल। इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। गुरु भी रंभत दीक्षा बहुत ही विलक्षण लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभत दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असल अधिकारी बनता है। उत्तराधिकार प्राप्त शिष्य भी इसी श्रेणी के होते हैं। यह दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर अमल करके सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है, उसे शक्तियां मिलने लगती हैं। साधक को कुल 18 सिद्धियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कि ये सिद्धियां अघोरी को कौन सी शक्तियां देती हैं। रक्षण शक्ति। गुरु मंत्रों का जाप करने पर शिष्य को सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति मिलती है। वह अपनी और असहायों की मदद करने में भी सक्षम हो जाता है। अगर साधक पर कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र के प्रभाव से वह खत्म हो जाती है या उसका असर बहुत कम होता है। गति शक्ति। गुरु दीक्षा से पहले अघोरी जिस योग और ध्यान में नाकाम हो चुका है, दीक्षा से मिले मंत्र के जाप से उसकी साधना में गति आने लगती है। वह सारी सिद्धियों को तेजी से हासिल करने लगता है। कांति शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद यह शक्ति मिलती है। ये कुकर्मों वाले संस्कार को नष्ट करके साधक का चित्त उज्ज्वल कर देती है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा नहीं रह जाती। वह सबको समान नजर से देखने लगता है। प्रीति शक्ति। साधक ज्यों ज्यों मंत्र का जाप करता है, उसकी अभीष्ट देवता से प्रीति बढ़ती जाती है। साधना पूरी होने पर प्रीति सिद्धि मिल जाती है। यह अघोरी की सामर्थ्य शक्ति को भी बढ़ा देती है। तृप्ति शक्ति। अघोरी के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष बढ़ता जाता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने बाद अघोरी की वाणी में सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि भविष्यवाणी सच हो जाती और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। अवगम शक्ति।
अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरों के मन की बात पता चल जाती है। अघोरी को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से भाव हैं और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। प्रवेश अवती शक्ति। इस सिद्धि को हासिल करना काफी मुश्किल है। यह साधक को त्रिकालदर्शी बना देती है। उसे सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे अघोरी पल भर में यहां तक बता सकते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। श्रवण शक्ति। इससे अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार सुनाई दे जाती है। वह अपनी शक्ति के अनुसार उसकी मदद भी कर सकता है। स्वाम्यर्थ शक्ति। यह शक्ति अघोरी को अपने मन का राजा बना सकती है। वह अपने हिसाब से नियम बना सकता है और अपने मन पर पूरी तरह से शासन कर सकता है। याचन शक्ति। अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है। यानी अगर अघोरी कोई चीज चाहे तो वह उसके सामने आ जाएगी। क्रिया शक्ति। गुरु की दीक्षा से मिला यह मंत्र सिद्ध होने पर अघोरी को निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना मिल जाती है। इच्छित अवती शक्ति। इसको सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदानी बन जाता है। यानी वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर सकता है। दीप्ति शक्ति। दीप्ति शक्ति हासिल करने वाले अघोरी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। वह सही मायने में सिद्ध पुरुष होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। वाप्ति शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला अघोरी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है जिसकी चेतना अणु अणु में व्याप रही है। आलिंगन शक्ति। इस शक्ति का मतलब है अपनापन विकसित करने की शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरी के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। हिंसा शक्ति। इस सिद्ध के नाम से लगता है कि यह अघोरी को हिंसक बना देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस सिद्धि से वह दुष्ट विचारों का दमन करते हैं। वह अपने साथ ही दूसरों के मन का अज्ञान भगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। दान शक्ति। अघोरियों को जब दान शक्ति की सिद्धि मिलती है तो वे पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही किसी को कुछ भी दे सकते हैं। भोग शक्ति। प्रलय के दौरान सब कुछ महाकाल में लीन हो जाता है। सामान्य आदमी इस विचार से ही भयभीत हो सकते हैं, पर यह सिद्धि हासिल करने वाला अघोरी स्थूल जगत को अपने में लीन करता है और ऐसे ही तमाम दुखों चिंताओं से ऊपर उठकर मस्तमौला बन जाता है। वृद्धि शक्ति। यह सिद्धि हासिल करने वाले अघोरी में प्रकृतिवर्धक और संरक्षण की सामर्थ्य आ जाती है। सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद अघोरी सही मायने में सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। फिर वे महागुरु बनकर अपने शिष्यों और जगत का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। अघोरी निर्जन स्थानों में पाए जाते हैं। शमशान घाट के किनारे इन्हें देखा जा सकता है। यूं तो अघोरी भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन कामाख्या देवी मंदिर के बाद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को अघोर तंत्र या काले जादू की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर साधना में जुटे कई अघोरी बाबा आपको आसानी से दिख जाएंगे। कहा जाता है कि वे अपनी साधना के दौरान शवों को खाते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी शक्तियों में तेजी से इजाफा होता है। मणिकर्णिका घाट पर गुप्त रूप से काला जादू भी किया जाता है। बता दें कि भारत में काले जादू की क्रियाएं करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर भी लोग समस्याओं से निजात पाने को इसका सहारा लेते हैं। मणिकर्णिका घाट के बाद ओडिशा की कुशाभद्र नदी के घाटों पर अक्सर इंसानी खोपड़ी और दूसरे अंगों की हड्डियां मिल जाती हैं। दरअसल कुशाभद्र नदी के सुनसान पड़े घाटों पर सबसे ज्यादा काला जादू किया जाता है। घाटों पर ही नहीं, सुनसान किनारों पर भी अक्सर लोग तांत्रिक और काले जादू की क्रियाएं करते हुए दिख जाते हैं। बनारस के मणिकर्णिका घाट की ही तरह कोलकाता का निमतला घाट भी काले जादू के लिए पहचाना जाता है। यहां भी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। बताया जाता है कि पूरी तरह से सन्नाटा होने के बाद आधी रात को अघोरी साधनाएं करने वाले लोग निमतला घाट पर आते हैं और जल रहे शवों का मांस खाते हैं। वे यहां भोर होने से पहले तक बैठकर साधना करते हैं। असम का मायोंग गांव सदियों से काले जादू के लिए पहचाना जाता है।
कहा जाता है कि इस गांव में आने से मुगलों और अंग्रेजों को भी डर लगता था। इस गांव में काले जादू से जुड़ी कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग काले जादू में माहिर माने जाते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उन्हें काले जादू की शक्ति वरदान में मिली है और सदियों से एक से दूसरे में चलती आ रही है। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।